श्रावस्ती फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। श्रावण मास द्वितीय सोमवार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने सिरसिया क्षेत्र के अंतर्गत पांडवकालीन विभूतनाथ मंदिर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना अध्यक्ष सिरसिया उप निरीक्षक पंकज कुमार को श्रावण मास के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में लगाई गई पुलिस ड्यूटी के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात प्रबंधन को चेक किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी, क्षेत्राधिकारी नगर अतुल कुमार चौबे, थाना अध्यक्ष सिरसिया उप निरीक्षक पंकज कुमार, पीआरओ पुलिस अधीक्षक उप निरीक्षक श्री अर्जुन पटेल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने पांडवकालीन मंदिर पहुँच कर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रावस्ती जनपद के सिरसिया इलाके के पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, श्रावण मास का विशेष महत्व है। इस दौरान सिरसिया के पांडवकालीन मंदिर विभूतिनाथ पर भारी संख्या में भक्तों का पहुंचना जारी होता है, जहाँ पर लोग जलाभिषेक करते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता दर्शन में आए हुए लोगों की जन समस्याओं को सुना गया। इस दौरान 24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2 भूमि विवाद, 3 पारिवारिक विवाद व 19 अन्य विवाद से संबंधित थे। प्राप्त शिकायतों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। श्रावस्ती जनपद के पुलिस कार्यालय का मामला, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने आए हुए लोगों की जन शिकायतों को सुना तथा उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इस दौरान 24 लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। वहीं भिनगा पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार वारंटी का नाम बुधई खां पुत्र गनकऊ खां निवासी शंकर नगर दाखिला पंडित थाना कोतवाली भिनगा, जो कई धाराओं में वारंटी था। ऐसे वारंटी को भिनगा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। श्रावस्ती जनपद के भिनगा इलाके का एक पूरा मामला है, जहां पर उसके घर से बुधई खां पुत्र गनकऊ खां को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। वहीं पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के दिशा निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी भिनगा इकोना के नेतृत्व में समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा कस्बा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त कर व्यापारियों व आमजन से वार्ता। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें, जहाँ पर पुलिस ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा लोगों को जागरूक किया, व्यापारियों से बातचीत की तथा अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए गए। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। साथ ही व्यापारी व अन्य लोगों से बातचीत कर अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कई जगहों पर अतिक्रमण भी हटाया गया। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें, जहाँ पर पुलिस ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया।